हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 मई 23 के डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। हियर वी कवर इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल पेज। इन केस यू वॉन्ट मी टू कवर द एंटायर इकोनॉमिक टाइम्स, डू लेट मी नो। आई कैन कवर दैट एज वेल इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर, लाइक आई एम कवरिंग दिस आर्टिकल्स। सो टुडे वी हैव फोर आर्टिकल्स टू डिस्कस। पहला आर्टिकल है सॉल्विंग इंसॉल्वेंसी अनक्लॉगिंग पाइपलाइंस। ये बेसिकली इंसॉल्वेंसी को लेके है कि कैसे कैसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं इंसॉल्वेंसी को लेके, और क्या क्या करना चाहिए हमें इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि केसेस पेंडिंग होते जा रहे हैं, थोड़े बहुत बैकलॉग्स आ रहे हैं, तो इसके कारण क्या कर सकते हैं हम उसके ऊपर है। प्रिपेयर्डनेस इन द टाइम आफ्टर कोविड। WHO ने अनाउंस किया है कि कोविड इज़ नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तो इसके कारण इस आर्टिकल में चीज़ बताया गया है कि भाई कैसे हम कोविड से सीख सकते हैं, कैसे हमें फ्यूचर प्रिपेयरनेस को लेके यू नो अवेयर रहना चाहिए। फिर एक आर्टिकल है अ बर्ड अ प्लेन और G20 मैन। बेसिकली G20 के जो वो है एजेंडाज है उसे डिस्कस कर रहा है कि इंडिया को G20 में क्या क्या कर लेना चाहिए, और आने वाला टाइम में जब, जैसे कि आपको पता है कि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के पास भी G20 का वो चल जाएगा चेयर, तो उन्हें क्या करना चाहिए एंड सो ऑन। उसके एजेंडाज के बारे में डिस्कस किया गया है। लास्ट एक आर्टिकल है एंटी लेफ्टिस्ट स्वीट हार्ट। सो दिस आर्टिकल इज़ बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्सन पद्मा देसाई। शी इज़ एन ऑथर, वो काफ़ी चीज़ें बुक्स लिख रखी है और इकोनॉमिस्ट भी है। तो उनके बारे में एक आर्टिकल है, वो भी हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ऊपर ऊपर से आर्टिकल गो थ्रू करेंगे, बाकी ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो के इस पर आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूले, सो दैट मैं इस तरह के जब भी वीडियोस बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन प्लीज़ बताइए कि अगर मैं बाकी के वो कवर करना चाहते हो वीडियोस को तो करें। और इनफैक्ट मैं ये भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड मेरा थोड़ा स्लो है तो आप 1.25x में भी सुन सकते हैं, क्या पता उसमें आपको थोड़ा स्पीड ठीक लगे। क्योंकि मैं स्पीड इसलिए स्लो रखता हूँ क्योंकि बाकी सबको ले भी लेके चलना चाहिए हमें। किसी की स्पीड स्लो होती है, किसी की स्पीड फास्ट होती है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि भाई यू नो अगर आप स्लो करो तो फास्ट करना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट अदरवाइज डिफ़िकल्ट होता है। सो पहला आर्टिकल सॉल्विंग इंसॉल्वेंसी अनक्लॉगिंग पाइपलाइंस। देखिए इसमें बेसिकली ये चीज़ बोला गया है कि भाई गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी को लेने के लिए IBC लेके आए, और जैसे जैसे IBC लेके आ रहे कि भाई बट IBC में क्या है ना प्रॉब्लम कि कई सारे फॉर्मल मैकेनिज़म्स बहुत हैं, तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोचा है कि भाई क्यों ना हम ऐसा मैकेनिज़्म लेके आए जिसमें इनफॉर्मली क्रेडिटर्स अपने डेट को लेके अग्रीमेंट कर ले। देखिए IBC में तो क्या है ना कि जब तक वो क्रेडिटर वाला चीज़ अग्रीमेंट नहीं आता फॉर्मली, तब तक हम प्रोसीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि भाई IBC में के को हटा के अगर हम ऐसा कोई प्रोसेस लेके आ जाए कि भाई इनफॉर्मली क्रेडिटर्स अगर अपने उस पर अग्री कर रहे हैं, तो फिर हम उससे फास्ट ट्रैक कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस। देखिए मैं कहता हूँ पर्सनली ये चीज़ मुश्किल है, क्योंकि सारे क्रेडिटर्स एक ही तरह से सोचेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो IBC के अपने स्ट्रेंथ के पॉइंट में IBC ज़रूर ये चीज़ मेंशन करता है कि भाई क्रेडिटर्स का अग्रीमेंट जो है वो ना भी हो तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, एज इन ऐसे मैकेनिज्म उन्होंने वो किए हैं। तो इसमें ये चीज़ बोला गया है कि भाई अगर हमें मान लीजिए आगे बढ़ना है इनफॉर्मली, तो अगर क्रिएटर अग्री कर लेते हैं तो फिर हम आगे NCLT और NCLAT के पास वो उनका प्रपोजल दे सकते हैं क्रिएटर्स का, ठीक है। इससे क्या होगा, जो जो फास्ट ट्रैक हो जाएगा आपका इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस। फिर उसके बाद स्मॉल
एंटरप्राइज के लिए आपको पता ही है प्री पैकेज स्कीम रहता ही है इंसॉल्वेंसी को लेके, और इस इनसे उनका आईबीसी का एक रिप्लेसमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है भाई टाइम इज़ द एसेंस ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, भाई जितना टाइम पे उतना टाइम पे कर दो, क्योंकि कंपनीज जब इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस से बाहर आ जाएगी तो ही फिर बाद में जाके कंपनी वर्क कर पाएगी। इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम जो कंपनीज है वो कैसे रीग्रो करेगी अपने उसको। फिर उसके बाद इसीलिए गवर्नमेंट जो बोलती है अपने स्मॉल डेट बैंक वगैरह को बोल रही है कि भाई अपने जो छोटे मोटे डेट है उसे आप या तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल या तो लोक अदालत के थ्रू क्लियर कर लो, एंड इसीलिए अपने पाइपलाइन को आप क्लियर कर लो, सो दैट ये इंसॉल्वेंसी का थोड़ा जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो, डेट का जो बर्डन है, बैड डेट्स का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो। तो ऑथर यही बोल रही है कि हमें थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा इस अप्रोच में। फिर सेकेंड आर्टिकल, प्रिपेयरनेस इन द टाइम आफ्टर कोविड, ये बेसिकली ये चीज़ बोला कि भाई WHO ने लास्ट फ्राइडे जो है ग्लोबल सॉरी मतलब कोविड-19 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अब नहीं बोलते हैं, उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया है कि भाई अब जो है कोविड-19 अब एक ऐसा नहीं कि उनका है कि भाई पैंडेमिक का रिस्क ख़त्म हो गया या कोविड-19 अब कम खतरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई अब कोविड-19 को हम जस्ट एज ए नॉर्मल फ्लू ट्रीट करेंगे, जैसे कि मलेरिया डेंगू ये सब है, तो वैसे ही कोविड-19 को भी हम ट्रीट करेंगे। तो अब इसलिए ये चीज़ बोला गया है कि भाई ऑथर ये चीज़ मेंशन करें कि भाई कोविड-19 ख़त्म ज़रूर हो गया है, बट कोविड के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ हम लोगों ने कोविड में किया, क्या क्या हमारा स्ट्रेंथ था, सारे वीकनेसेस को इनफैक्ट आइडेंटिफाई करके उनको एक 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 राइट डाउन करना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में जब अगर ऐसा कुछ पैंडेमिक वापस से आता है तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रहना चाहिए कि भाई हम लोग ने उस समय ये एक्शन लिया था और ये एक्शन अच्छा है और ये एक्शन अच्छा नहीं है। तो ऑथर ने कैटेगरी के लिए बोला है कि भाई सिर्फ बुरे नहीं, अच्छे भी आप प्रैक्टिसेस लिख दो कि जो आपको लगेगा कि भाई पैंडेमिक के दौरान हम लोग ने अच्छा एक्शन लिया। तो बस यही चीज़ है इस आर्टिकल में। एंटी लेफ्टिस्ट स्वीट हार्ट, ये नेक्स्ट आर्टिकल जो मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको काफ़ी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ क्योंकि एक जन के एक बायोग्राफी के बारे में, तो ऐसा है ये कहते हैं कि भाई इनके जो फ्रेंड है एक जगदीश भगवती, उन्होंने इनके साथ स्कूलिंग किया था ऑथर के साथ, फिर वो मतलब एक जन से मिले जिनके ऑलरेडी मैरिड थी, और उनके पति से उन्होंने मतलब ये दोनों फिर शादी करना चाहते थे तो फिर इनके पति ने डिवोर्स नहीं दिया, फिर ये चले गए, मतलब बायोग्राफी के बारे में है कि फिर ये दोनों चले गए बाहर, फिर जो पद्मा है उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, नाम सॉरी अपना रिलीजन चेंज कर लिया सो दैट मेक्सिको में जाके, एंड सो दैट वो फिर अब वापस से शादी कर पाए, और शादी करके इनको एक अपना खुद का बच्चा भी है। तो ऑल इन ऑल ऑथर क्या बोलना चाहते हैं, ऑथर का ये चीज़ है कि भाई इन्होंने जो बुक है पद्मा ने, उन्होंने बुक लिखा है सोवियत यूनियन के ऊपर कि भाई कैसे इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। शी वॉज इनफैक्ट वन ऑफ दोज फर्स्ट पर्सन्स टू पॉइंट इट आउट दैट द USSR विल बी डिसइंटीग्रेटेड इवेंचुअली, देन शी केम अप विथ अदर बुक्स ऑल्सो दैट फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर है, फिर उसके बाद एशिया टू अर्जेंटीना फाइनेंशियल क्राइसिस टू ग्लोबल रिकवरी एंड सो ऑन। फिर उन्होंने बोला कि भाई उनके जो जो डॉटर है वो उन दोनों का एक डॉटर था, वो डॉटर जो है फीमेल के साथ अपने क्लासमेट के साथ लव में हो गई थी, देन उन्होंने उनका ओरिएंटेशन चेंज कराया, फिर वगैरह वगैरह, फिर उसने US मरीन ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी बायोग्राफी के बारे में है। लास्टली इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई अब वो डॉटर जो है वो अलग अलग करियर परस्यू करके फाइनली योगा इंस्ट्रक्टर बन गई है, क्योंकि US सबमरीन में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, तो फिर उन्होंने उस चीज़ का पोस्ट किया तो थोड़ा मेंटल टॉर्चर वगैरह वो चीज़ हुआ, मतलब लोगों को वो चीज़ करना, बदनाम करना कि भाई इन लोग के कोई प्रोपगेंडा बेस्ड है, बल्कि असल में वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रही थी उनकी डॉटर, बट समहाउ फिर वो फाइनली योगा इंस्ट्रक्टर बन गए, एंड उनका करियर वैसे कि ऑथर कहते हैं कि भाई थोड़ा सा अजीब है कि भाई दोनों के इकोनॉमिस्ट के बेटी योगा है, योगा इंस्ट्रक्टर है, सो ऑन। तो
मतलब अपनी अपनी शिद्दत के ऊपर है कि भाई आप कितना ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हो कितना नहीं, बट मेरा काम था समझाना, तो मैंने आर्टिकल छोड़ा नहीं कि यार चलो जो भी है, अगर ये पॉलिटिकल नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी यूज़फुल हो जाता है तो मैंने समझा दिया। अबाउट प्लेन और G20 मैन, ये लास्ट आर्टिकल है हमारा। ये ऑथर ने कई सारे देखिए पॉइंटर्स दिए कि हमें G20 के अभी करंट सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि पहले तो उन्होंने G20 के बारे में बताया कि भाई ग्लोबली ग्लोबल प्लेटफॉर्म के top 20 कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो हेड है, वो मिलते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब, हेड का मतलब प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा हूँ, बट उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। फिर उसके बाद इंडिया अभी क्या क्या चीज़ परस्यू कर सकता है, तो उन्होंने पॉइंटर्स दिया कि जैसे क्लाइमेट एक्शन हो गया, फिर उसके बाद नॉन यूआन सब्स्टिट्यूट हो गया, भाई नॉन यूआन सब्स्टिट्यूट फॉर डॉलर्स, इन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया नॉन यूआन सब्स्टिट्यूट। फिर डेट क्राइसिस बाय शेमिंग अवॉइडिंग अ डेट क्राइसिस बाय शेमिंग दी बाय शेमिंग चाइना इनटू रिस्ट्रक्चरिंग इट्स लोन टू पुअर वर्ल्ड। एक्चुअली होता क्या है ना, ये क्या बोलना चाह रहे हो ऑथर, कि भाई जब आप डेट का जो रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तभी IMF, जैसे मान लीजिए चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया है, अब श्रीलंका उसे पे नहीं कर पा रहा, तो श्रीलंका गए IMF के पास, तो IMF बोला भैया नहीं, जब तक तुम अपने चाइना के डेट को रिस्ट्रक्चर नहीं करा लेते ऑन दी कंडीशन दैट कि भाई हम अभी इस पैसे को पेमेंट नहीं करेंगे, हम बाद में पेमेंट करेंगे, तभी IMF आपको फंड करेगा, नहीं वरना पता क्या होगा, IMF से फंडिंग आया तुरंत चाइना ने खींच लिया, तो इनडायरेक्टली तो चाइना IMF ने चाइना को ही फंड कर दिया, आज चाइना को ही, चाइना के ही लोन को चुका दिया, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना, फिर वो कंट्री का क्या मतलब, वो तो फिर डेवलप कर ही नहीं पाएगा, या वो तो उस क्राइसिस से बाहर ही नहीं आ पाएगा। सो दैट्स द कंडीशन, तो पहले आप लोन रिस्ट्रक्चर करोगे, फिर चाइना मतलब चाइना से बात करके एंड देन IMF आपको फंड करेगा। फिर ऑथर ने और बोला है कि भाई एंडिंग यूक्रेन वॉर, फिर उसके बाद यू नो ग्लोबल माइग्रेशन जो हो रहा है, जो पुअर कंट्रीज से रिच कंट्रीज़ में, कि भाई लेबर के शॉर्टेजेस है उसके कारण, तो उसे थोड़ा कम करना है। फिर पैंडेमिक प्रिपेडनेस को थोड़ा बढ़ाना है, डाइसफंक्शनल WTO को थोड़ा सा ठीक करना है, फिर उसके बाद डिजिटल डिवाइड को थोड़ा कम करना है, क्लाइमेट चेंज के सोल्यूशंस को कम करना, मतलब क्लाइमेट चेंज के सोल्यूशंस को बढ़ाना और क्लाइमेट चेंज को थोड़ा कर्व करना है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल सेविंग्स को जो है, जो रिच कंट्रीज़ के फाइनेंशियल सेविंग्स है, पुअर कंट्रीज़ को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, वगैरह वगैरह अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। फिर ऑथर खुद ही बोल दे, ऑथर को खुद को जब रियलाइज़ हुआ कि भाई उन्होंने बोलते बोलते बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, तो ऑथर खुद ही लिखते हैं कि भाई ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट, इट इज़ इरेशनल टू थिंक दैट यू नो सभी पॉइंट्स पे हम रिच कर सकते। तो मैं बोला चलो ठीक है, ऑथर को रियलाइज़ तो हुआ ये चीज़। फिर उसके बाद ऑन द क्लाइमेट फ्रंट ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट फ्रंट में यू नो हमें हमें ऐसा कर लेना चाहिए कि CDR का मैकेनिज्म इतना कॉमन हो जाए जितना एक पहले जैसे एमिशन निकलता था ना, कि भाई अगर हम कोई भी मतलब यू नो प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो एमिशन निकल रहा है, राइट, तो वो चीज़ इतना नॉर्मल था एमिशन निकलना। अब ऑटो तो बोल रहे कि CDR भी उतना ही नॉर्मल हो जाए कि भाई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो CDR हो रहा है एप्लीकेबल। फिर उसके बाद ऑथर ये कहते हैं कि भाई अलग अलग CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से निकालने के लिए या कम करने के लिए हमें मैकेनिज्म होना चाहिए, लोअरिंग कोल से लेके पूरा कोल मतलब कोल को पूरा ही हटा दो यूज़ करने से, मतलब रिड्यूस मत करो, इनफैक्ट पूरा ही हटा दो, ऐसा कह रहे हैं उधर। फिर उसके बाद फिर US डॉलर के हेजिमनी के बारे में बात करें कि भाई US डॉलर का जो हेजिमनी है उसे भी थोड़ा कम करना चाहिए, और तब कह रहे कि भाई इसका ये मतलब नहीं कि हमें युआन को प्रमोट करना चाहिए, युआन के बदले हमें यू नो जैसे एक क्रिप्टो टाइप का कोई करेंसी ले लेना चाहिए इस टाइप का, जिसका एक ग्लोबल वैल्यू रहे। फिर उसके बाद फिर उन्होंने भाई ऑथर ने चाइना के बारे में बताया कि भाई चाइना को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए लोन, सो दैट IMF वगैरह इसे दे सके लोन। फिर उसके बाद ऑथर कंक्लूड इसी करते हैं कि क्या इंडिया G20 के प्रेसिडेंसी को अच्छे से यूज़ कर रहा है और आगे भी कर पाएगा, और क्या इंडिया अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाएगा। तो यही था आर्टिकल आज के एडिटोरियल में। आप प्लीज़ मुझे बताइए, जैसे कि मैंने 15 मिनट्स में ये पेज पढ़
पूरे कवर कर दिया। आप ट्रस्ट में अगर आप खुद पढ़ने बैठते हो तो इसमें हो सकता है 45 मिनट्स टू 1 आवर लगे या कोई टॉपिक समझ में भी ना आए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं पूरा न्यूज़पेपर भी कवर कराना तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसे ट्राई करूँगा कि और भी क्रिस्प तरीके से पूरा न्यूज़पेपर कवर कर ले, सो दैट आप सुबह जब उठो तो आपके 45 मिनट्स में ऑलमोस्ट या 1 घंटे में पूरे न्यूज़पेपर प्लस एडिटोरियल सब कवर हो जाए। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, हैव अ नाइस डे।